अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि सेकंड एमपी में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंदौर, सेकंड है रायसेन, थर्ड ऑप्शन है भोपाल और फोर्थ ऑप्शन है ग्वालियर। तो दोस्तों आपको अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रायसेन, एमपी में प्लास्टिक पार्क रायसेन में निर्माणाधीन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि समरागन सूत्र की रचना किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है राजा भोज, सेकेंड ऑप्शन है कालिदास और थर्ड ऑप्शन है महिपाल और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों सूरसेन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजा भोज। जी हाँ, समरागन सूत्र की रचना राजा भोज ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई। फर्स्ट ऑप्शन है 1976, सेकंड ऑप्शन है 1972 और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास 1975 और फोर्थ ऑप्शन है 1974। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1976। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है एमपी में RRCET कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जबलपुर, सेकंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है भोपाल और फोर्थ ऑप्शन है ग्वालियर। दोस्तों इसका आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इंदौर। एमपी में RRCET कहाँ है। तो दोस्तों RRCET मध्य प्रदेश में इंदौर में है। दोस्तों क्वेश्चन ये है हमारे पास कि उज्जैन में जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण किसने करवाया। क्या आपको पता है तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा गाइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सवाई जय सिंह। उज्जैन में जंतर मंतर वेदशाला का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। ध्यान में रखिएगा, ये PV द्वारा बहुत पूछा गया है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाएं हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन।